देखो, हम पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो सबसे पहले बात की हमने डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जिसके अंदर आता है एलिस्काइरेनिन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एस इनहिबिटर। तो एस इनहिबिटर क्या लास्ट में आता है? प्रिल, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैप्टोप्रिल हो गया, एनेलाप्रिल हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया। किस में देते हैं? हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, हार्ट फेलियर के लिए देते हैं। मोस्ट एस इनहिबिटर्स आर टेकन बाय माउथ एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी, एक बात ये ध्यान रखना है। अब जो एस इनहिबिटर जब लेते हैं तो इट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, सो इट कैन कॉज ड्राई कफ, इट कैन आल्सो कॉज एनजियो एडिमा, ठीक है। और हाई पोटेशियम डाइट शुड बी अवॉइडेड। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करें तो इनमें लास्ट में सार्टेन आता है, जैसे केंडसार्टेन हो गया, वेलसार्टेन हो गया, लोसार्टेन हो गया। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके अंदर ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेशन जो होता है वो नहीं होता है, तो इसके अंदर लेस कफ होता है और लेस एंजियोडीमा होता है। इसके अलावा हाइपरकेलीमिया आपको देखने को मिल सकता है साइड इफ़ेक्ट, और हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। एआरबीज आर मेडिकेशन ऑफ चॉइस ओनली इफ एस इनहिबिटर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और ये एआरबी और एस इनहिबिटर दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? टीरेटोजेनिक होते हैं।